जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था डिजिटल इंडिया बनाएंगे, इस देश के अंदर सीवर के अंदर आदमी मर जाता है, तो आप कहां तक देखते हैं डिजिटल इंडिया का सपना कहां तक साकार हो गया? देखिए नौटंकी है ये 56 इंची चौकीदार के एक और झूठ और नौटंकी है। 4.5 लाख करोड़ आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, आप उसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए लगाने की बात कर रहे हो। भैया इससे पहले जो भूखे लोग हैं उन्हें रोटी दे दो ना, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है उन्हें कपड़ा दे दो, जिनको मकान है उन्हें मकान दे दो। इस देश में हर साल 3 लाख लोग भूख से मर जाते हैं, 40 करोड़ लोग आज की तारीख में 2 वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिलती, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, ये हालत उनकी है। और आपने बिल्कुल कहा कि सीवर, देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट के बाद में इसकी गिनती शुरू हुई, हजारों की संख्या में 4 साल पहले ही जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ उसके बाद से गिनती शुरू हुई कि सीवर में कितने लोग मर रहे हैं। तो 4 साल के अंदर जो डाटा अभी तक आया है उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की संख्या हो चुकी है जो सीवर में मर जाते हैं। क्यों, वो इंसान नहीं है? लेकिन इनकी नज़र में इंसान नहीं है, इनकी नज़र में तो वही है ना, बहुत नीचे अछूत बिल्कुल कीड़े की तरह ज़िंदगी जीने वाले, मर जाएँ तो मर जाएँ, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी की सारी जो सारी सरकार है केवल और केवल कहने वाली सरकार है। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, आप डिजिटल इंडिया के लिए आपका जो नेटवर्क है वो आपका बढ़िया होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन आपका जो श्रीलंका से भी बेकार है, बांग्लादेश से भी बेकार है, तो पहले तो उनसे बढ़िया ही कर लो, तभी तो डिजिटल इंडिया होगा। दूसरा, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, आप स्वीडन का उदाहरण देते हो डिजिटल इंडिया के लिए कि वहाँ पे लगभग 90% लोग जो हैं डिजिटल जो उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो भैया उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $3 लाख पर कैपिटा है, अगर उसे इसमें जोड़ लो आप रुपये में तो कहाँ 50 लाख रुपये जाएगी, और उनकी आबादी 1 करोड़, यहाँ की आबादी 130 करोड़, किस तरह से आप करोगे? ये सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाने वाला, झूठ बोलने वाला एक बाजीगर है और कुछ नहीं है। हमें इसके झांसे में नहीं आना, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए और बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी, और उससे पहले आदमी को रोटी देनी पड़ेगी, उसे शिक्षा देनी पड़ेगी, उसे मकान देना पड़ेगा, उसे सुरक्षा देनी पड़ेगी, तब जाके आप डिजिटल इंडिया की बात करेंगे। आप भारत जी बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन ये बताइए आपने शिक्षा की बात करी, शिक्षा अभी 8वीं तक बच्चा फेल नहीं होगा तो शिक्षा तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर ही रही है ना, आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, आप कह सकते हैं इसे प्रोग्रेस, मैं इसे प्रोग्रेस नहीं कहता। देखिए 8वीं तक फेल नहीं होना जी, लेकिन ये नियम कहाँ लागू है? सरकारी स्कूलों में जी, प्राइवेट स्कूलों में तो लागू नहीं है जी। तो सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ता है। अबे मजदूर के बच्चे को 8वीं तक जो उसे फेल ही मत करो, पढ़ाते रहो, तो 8वीं तक वो नींव है जो मजबूत होनी चाहिए, वो नींव ही बेकार हो गई। और ये सोची समझी साजिश के तहत है कि गरीब के बच्चे को पढ़ाओ मत, वो मजदूर रह जाएगा, वो बेकार रह जाएगा, तो उसे मजदूरी कराओ और गुलामी कराओ। अन्यथा नियम ये होना चाहिए ढंग से पढ़ाई हो, बहुत क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए पूरे देश में, राजधानी से लेकर गांव के दूर दराज के गांव में भी एक ही शिक्षा होनी चाहिए, या 10 तरह की शिक्षा। राजधानी में भी कई तरह की शिक्षा है, पब्लिक स्कूल में अलग, कॉन्वेंट स्कूल में अलग, और जो आपके जो गवर्नमेंट स्कूल में अलग, और जो आपके कॉरपोरेशन के स्कूल हैं उनमें अलग, सरकारी स्कूलों में अलग। ये सारा का सारा जो शिक्षा का सिस्टम है, इस शिक्षा को ईमानदारी से आप करो, ऊपर से नीचे तक समान करो, हर व्यक्ति को शिक्षा दो और कहो तबियत से उसको पढ़ाओ ढंग से, क्वालिटी वाले जो आपके पास में टीचर्स होने चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसको करो, सरकार का यही तो काम है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उस साजिश का हिस्सा हैं, जिस साजिश के तहत इस देश की बहुत बड़ी आबादी को, बहुत बड़ी संख्या को गुलाम और मजदूर बना के रखना चाहते हैं। भाई जिनके पास पैसा है वो तो अपने बच्चे को पढ़ा ही लेंगे कहीं भी, चाहे वो कोई भी हो। आज की तारीख में आप देख रहे हैं किस तरह की महंगी शिक्षा हो गई है, क्या हालात हो गए हैं। और इस सरकार ने तो इतना कर दिया कि यूनिवर्सिटी लेवल पे कई कॉलेजेस को, जो विश्वविद्यालय हैं उनको कह दिया यूनिवर्सिटीज को अपने पैसे की व्यवस्था अपने आप करो। भैया वो कहाँ से करेंगे अपने आप व्यवस्था? जो हालत हो गई है उसका नतीजा ये हुआ, आपने देखा उत्तराखंड का भी एक उदाहरण कि मेडिकल के जो बच्चे हैं उनकी फीस एकदम 4 गुना बढ़ गई जी। इस तरह से जब फीस बढ़ा दी जाएगी तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? और पढ़ने से भी पहले ये है कि पहले टीचर तो लाओ, अब उसमें जो प्रोफेसर तो लाओ, जब वही नहीं है आपके पास में तो शिक्षा का हाल होगा क्या? और आप जानते हैं, मैं तो बहुत सीधे शब्दों में कहता हूँ, ये सरकार दो, ये हो या कोई भी सरकार हो, अब तक की जो सरकार नहीं है, उन्होंने 2 काम किए हैं, लोगों को पढ़ाएंगे नहीं और लोगों को इकट्ठा नहीं रहने देंगे, इसलिए उन्हें धर्म के नाम पर लड़वाएंगे, जाति के नाम पर लड़वाएंगे, और एजुकेशन देंगे नहीं उन्हें। क्योंकि अगर एक व्यक्ति पढ़ जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो ये जितनी बदमाशियाँ कर रहे हैं ना बैठ के,
ये जो पब्लिक का पैसा खा रहे हैं, पब्लिक इसे बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इनकी गर्दन पकड़ कर ऊपर से उतार लेगी ना, ठीक कर देगी ना। इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते, इसलिए जो है उन्हें कोई अधिकार देना नहीं चाहते हैं।